हैं मेरे भविष्य में बनने वाले फौजी भाइयों, तो मैं आपको बता दूं, अब आर्मी में आपका सभी कोई भी भर्ती देखते हो तो आपका एग्जाम पहले कर दिया गया, तो इसलिए मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ कि आर्मी की भर्ती से संबंधित जो भी आपकी वैकेंसी निकलती है अब आपको सब में फॉर्म डालना, चाहे वो 10वीं के बेस पे हो या फिर वो 12th के बेस पे हो या फिर वो ITI के बेस पे हो। ऐसे ही इसी प्रकार की एक वैकेंसी भारतीय सेना में निकाली गई है जो कि CME पुणे ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो मैं आपको बता दूं ग्रुप सी की बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, इसमें भी आपका आर्मी का एग्जाम पहले कराया जाएगा। CME का मतलब बता दूं मैं आपको, कॉलेज मिनिस्ट्री मिलिट्री इंजीनियरिंग, यानी कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मिलिट्री का एक कॉलेज है। इसमें मैं बता दूं कुछ वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल वैकेंसी वो 119 है। वहीं अगर हम आप कहोगे कि इतनी कम वैकेंसी है इसमें हम फॉर्म नहीं डालेंगे, तो मैं बता दूं जो बच्चे ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरते हैं उसमें भी इतनी वैकेंसी आती है, तो इसमें कोई ज़्यादा कम वैकेंसी नहीं है, खूब बढ़िया वैकेंसी है। अब शुल्क मैं बता दूं आपकी जो फीस है वो भी आपकी जीरो रहने वाली है, क्योंकि अब आपसे मैं बता दूं आपका कोई भी CRPF CISF BSF किसी भी पोस्ट के लिए अगर फॉर्म निकलता है तो आपको वो जरूर भरना, और जिसमें आपकी जीरो फीस है, मैं बता दूं आर्मी में आपकी जीरो फीस होती है, कोई फॉर्म निकलता है तो शून्य फीस होती है, कोई चार्ज नहीं लेते आर्मी वाले, तो इसमें भी मैं बता दूं आपकी जीरो फीस है। आपको लगे कि अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक नहीं है, पूरा सैनिक बल है, आर्मी ही है और कोई नहीं है, और इसमें मैं बता दूं आपकी परमानेंट नौकरी लगने वाली है। मैं इसमें आपको पूरा नोटिफिकेशन समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपने अगर 10th पास की है, सिर्फ 10th पास, तो भी आप इतना इसमें फॉर्म डाल सकते हो, अगर 12th पास के हुए तो भी भर सकते हो। तो इसमें मैं बता दूं कुछ वैकेंसी जिन्होंने DMLT की हुई है उनके लिए भी है, जिन्हें DMLT यानी कि लैब टेक्नीशियन की कुछ वैकेंसी है, कुछ इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन वालों की भी है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर कुछ वैकेंसी 12th पास के लिए क्लर्क की, और 10वीं पास के लिए MTS की वैकेंसी, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है MTS की है, मेरे हिसाब से 67-68 पोस्ट है MTS की। तो मैं आपको सारी जानकारी देता दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी एज लिमिट के बारे में, एज जो आपकी है वो आपकी 18 से 25 वर्ष तक आपकी एज रहने वाली है। और फॉर्म की अब सबसे बड़ी बात हो जाती है, अब सामने फॉर्म की क्लोजिंग डेट क्या है, तो क्लोजिंग डेट है जो आपकी वो फॉर्म की 4 मार्च 2023 है। अपना फॉर्म आप 4 मार्च से पहले डाल सकते हो, 0 रुपये फीस है, अगर फॉर्म भरते हो तो उसके लिए भी कोई आपत्ति नहीं है। और वहीं पर अगर हम ड्राइवर की, इसमें कुछ पोस्ट ड्राइवर की में अगर हम ड्राइवर की वैकेंसी की बात करते हैं, तो ड्राइवर की जो एज लिमिट है वो आपकी 30 वर्ष है, 18 से 30 वर्ष, जिस किसी के पास अगर हैवी लाइसेंस है तो इसमें फॉर्म डाल सकता है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, आपका इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की भी अगर हम बात करते हैं तो कोई ज़्यादा हाई फाई आपका सिलेबस रहने वाला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा, जैसे आप तैयारी करते हो तो वही आपकी, जैसे एक तो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, GK जनरल अवेयरनेस, GK GA जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। वहीं पर अगर तीसरे नंबर बात करते हैं तो इंग्लिश आएगी। अब बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन के बारे में, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की मात्रा कितनी रहने वाली है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन देख के बताता हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन अगर चेक करना अपना कि नोटिफिकेशन से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ नीचे व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप में जाकर के आप वहाँ से अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। जाकर के वहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आप फॉर्म भरना चाहते हो नहीं। मेरे हिसाब से सभी को फॉर्म भरना चाहिए, फीस भी कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस के बारे में, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चार मैं बता दिए, इंग्लिश रीजनिंग मैथ। अगर कोई बच्चा अगर SSC की भी तैयारी करता है, कोई SSC किसी भी एग्जाम की, तो उसको भी ये जरूर देना चाहिए, जैसे SSC GD का एग्जाम के लिए तैयारी की थी तो उसको भी दे देगा तो अच्छा रहेगा। इसमें बता दूँ इसमें आपके क्वेश्चन दिए हुए नहीं, ये क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं अभी, इसमें जो आपका रीजनिंग मैथ GK और इंग्लिश आएगी, और जो टोटल टाइमिंग है वो आपकी 2 घंटे है, 2 आवर्स, इतने समय में आपको पूरा पेपर करना होगा। इसमें क्वेश्चन दिए हुए नहीं, मेरे हिसाब से मैं बता दूं आपको 50-50 क्वेश्चन होंगे शायद, अगर इतना टाइम दिया होता हुआ 2 घंटे, 50 नहीं तो 30-30 क्वेश्चन होंगे, 30-30 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है, मैं इसका सिलेबस जो वो भी डलवा दूंगा, 30-30 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कुछ रह गया हो अभी आपसे तो मैं आपको बता दूं, हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट ग्रुप को हमारे को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से हमारा एडमिन के नंबर पर जाकर के वहाँ से हमारे पास मैसेज कर सकते हो, हम आपको जानकारी दे देंगे। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी, अगर आप उसको फॉलो करके अगर उस पर मैसेज करते हो तो हम तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, तुरंत रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि वो उसको मैं देख रेख करता हूँ, तो आपको तुरंत जानकारी दे दूंगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो, अगर फॉर्म भरने में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो आर्मी के जो भी फॉर्म निकलते हैं उनको सभी की नोटिफिकेशन जानने के लिए, जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल के सभी के पास शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।